जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आज के दौर में कुत्ते को घर में रखना एक शौक बन चुका है, परंतु क्या आप जानते हैं कुत्ते आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ वह कुछ ऐसे संकेत भी देते हैं जिससे आने वाले आगामी खतरों से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कुत्ते कौन से शुभ संकेत अथवा शकुन अपशकुन का संकेत देते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है, अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं और उसी समय आपको देखकर कुत्ता भौंकने लगे तो कुछ समय आपको वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता आपको आने वाले संकट से बचाने का संकेत दे रहा होता है। और अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उस कार्य को आप रोक कर अगले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कुत्ता बाहर जाते समय भौंकने लगे तो इसका मतलब होता है कि कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा संकेत, दोस्तों, सुबह के समय कुत्ते को भोजन करते हुए देखना या कुत्ते को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुत्तों को भैरव बाबा का सवारी माना गया है। इसीलिए सुबह के समय यदि आप कुत्ते को भोजन करते हुए देखते हैं या सुबह के समय कुत्ते को भोजन कराते हैं तो पूरा दिन आपका मंगलमय होगा, जो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तीसरा संकेत, अगर आप रास्ते में हैं और कुत्ता आपको देखकर भौंकने लगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होने वाली है या फिर आर्थिक संकट आने वाली है। इसलिए ऐसे संकेत को देखकर आपको पहले से ही संकट से बचने के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। चौथा संकेत, कुत्ते को खुजली करते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह कुत्ते को खुजली करते हुए देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ होता है, ऐसा देखने से भी आर्थिक संकट घर में आ सकती है। पाँचवा संकेत, कुत्ते को रोटी देना। दोस्तों, अगर आप किसी कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाते हैं तो भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट टल जाते हैं। छठवां संकेत, कुत्ते को मुंह में हड्डी दबाकर भागते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप कुत्ते को मुंह में हड्डी दबाकर भागते हुए देखते हैं तो यह भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह संकेत बताता है कि आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करने वाली है। सातवां संकेत, कुत्ते को पानी पीते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप कुत्ते को पानी पीते हुए देखते हैं या आप स्वयं ही पानी पिलाते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है, परंतु यदि कुत्ते को गंदा पानी पीते हुए देखते हैं तो यह भी अशुभ होता है। आठवां संकेत, कुत्ते को रोता हुआ देखना। दोस्तों, अगर कोई कुत्ता आपके घर के तरफ मुँह करके रोता है तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई अनहोनी होने वाली है। नौवां संकेत, आपके घर में कुत्ते का जन्म होना। दोस्तों, आपके घर में अगर कुत्ते का जन्म होता है तो यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जिस घर में कुत्ते का जन्म होता है वहाँ सकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं और आपके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। जिस घर में संतान नहीं हो रही होती है, अगर उस घर में कुत्ते का जन्म होता है तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में बहुत ही जल्द संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। दसवां संकेत, कुत्ते को लड़ाई करते हुए देखना। दोस्तों, कुत्ते को लड़ाई करते हुए देखना यह संकेत देता है कि आपके परिवार में या पड़ोसियों से आपकी लड़ाई हो सकती है। इसलिए आपको जब भी कुत्ता लड़ाई करते हुए दिखें तो आप लोगों से बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आएं। दोस्तों, ये थे 10 संकेत जिससे हमें शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के संकेत के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।